राधे राधे, वेलकम टू हैप्पी फूड कॉर्नर। मैं हूँ स्वाति शर्मा। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही फटाफट से बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्ट आलू की इडली की रेसिपी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाने स्टार्ट करते हैं। आलू की इडली बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू। इनका हमने छिलका उतार लिया है। अब हम इनके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। अब हम इन्हें पानी से वॉश कर लेंगे। अब हम इन आलुओं को एक मिक्सर जार में डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इसे पीस लेंगे। आलू को हमने अच्छे से पीस लिया है। आलू को बिल्कुल बारीक पीसना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी सूजी, कटोरी दही। जितनी हमने सूजी ली है उतना ही हमने दही लिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। अब हम एक पैन में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच राई। राई को अच्छे से चटका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच उड़द दाल। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हल्का सा लाल होने तक भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च, 7-8 करी पत्ता, इन्हें मैंने काट लिया है। अब हमारी सूजी को 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपना तड़का डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इडली मोल्ड में ऑयल लगाएंगे ताकि इडली हमारी चिपके नहीं। अब हम एक भगोने में पानी गर्म होने रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच खाने का सोडा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारी इडली अच्छी फूली फूली बनेंगी। हम इसे इडली मोल्ड में रखेंगे 1-1 चम्मच। पानी में उबाली आ गई है। अब हम अपना स्टैंड भगोने के अंदर रख देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। इसे हम 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारी इडली बनके तैयार हो गई है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इन्हें ठंडा होने देंगे। अब हमारी इडली ठंडी हो गई है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी इडलियां निकाल लेंगे। अब हमारी इडली बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितनी जालीदार बनी है और कितनी सॉफ्ट है ये। आप लोग इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही नई नई रेसिपीज के लिए आप लोग मेरे चैनल हैप्पी फूड कॉर्नर को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।